नमस्कार, आप सबको स्वागत है गुरुकुल दर्शन रत्नोलय चैनल में। मैं हूं आचार्य बाबू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आज मैं चंडियों में सबसे जो कहा जाता है कि चंडी माता जो हैं, विभिन्न जगह में जैसे कोई मंदिर में देवी को वो चंडी रूप में पूजते हैं, बहुत सारे जैसे जगह में कहीं पे कामाख्या में पूजा जाता है, महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी स्वरूप में, वैष्णो माता में चंडी को पूजा, हर जगह में जो चंडी देवी की पूजा होती है, जैसे हम सब चंडी पाठ करते हैं कुछ भी है, तो सबसे जो भयंकर यानी सबसे तीव्र जो प्रभाव होता है वो रुद्र चंडी पाठ का तीव्र प्रभाव। आज मैं आपको रुद्र यामल तंत्र से रुद्र चंडी पाठ करके सुनाऊंगा। इसको आप अगर सुनने का टाइम अगर आपका गूज बम्प यानी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और एक बात बताऊं, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई योग्य आचार्य ब्राह्मण पंडित गुरु जो भी हैं उनसे थोड़ा पढ़ा सुने, यानी कैसे पढ़ रहे हैं वो सुने, उसके बाद आप पढ़ें। या अगर आप, मैं थोड़ा तीव्र उच्चारण करता हूँ, अगर आप मेरे समझ सकते हैं इस पाठ को, तो इसको सुनने के बाद आप कहीं पे आपके पास हास में कोई पुस्तकालय होगा उसमें से आप जो बुक स्टोर से आप रुद्र चंडी का मिलता है या रुद्र जामल तंत्र से आप निकाल सकते हैं। इसका अनुवादन मैं एक हमारे लोकल ओडिया लैंग्वेज में एक पुस्तक है उसी से पाठ कर रहा हूँ। अगर आपको रुद्र जामल तंत्र में मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पर स्टोर में जाके पूछ सकते हैं कि रुद्र चंडी पाठ का कोई पुस्तक है कि नहीं, ठीक है। अगर इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जब मैं आप पाठ करूँगा आप माता रुद्र चंडी को सत सत प्रणाम करिएगा और उनको ये कहिए गई हे माँ उनका कृपा जैसे आप पर रहे। और ये बहुत बढ़िया पाठ है, आप सुने, सुनने के बाद अगर आपका अंदर कोई महसूस हो रहा है कुछ ऊर्जा तो आप मुझे बताएं, ठीक है ना। जय माँ रुद्रचंडी, हे माँ सरस्वती, माँ जय, माँ जय। रुद्रचंडी पाठ रुद्रजामले श्री शंकर उवाच। चंडिकां हृदयं न्यस्यासरणं जह करत्यपि अनंतफलमाप्नोति देवी चंडी प्रसादतः। घोर चंडी महाचंडी चंडमुंडा विखंडिनी चतुर्वक्रता महावीर्जा महादेवो विभूषिता रक्तदंता वरारोहा महिषासुरमर्दिनी तारिणी जननी दुर्गा चंडिका चंडविक्रमा गुह्यकाली जगद्धत्री चंडी चोज्जामलभवा स्मशानवासिनी देवी घोर चंडी भयानका शिवा घोरा रुद्र चंडी महेशी गणभूषिता जह्नवी परमा कृष्णा महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या परम विद्या चंडिका वैरिमर्दिनी दुर्गा दुर्गा शिवा घोरा चंडहस्ता प्रचंडिका महेशी बगोड़ा देवी भैरवी चंड विक्रमा प्रमर्थे भूषिता कृष्णा चामुंडा मुंडमर्दिनी रणघंटा चंद्रघंटा रणे राम वरप्रदा तारिणी भद्रकाली चो शिवा घोरा भयानका विष्णुप्रिया महामाया नंदगोप गृह भवा मंगला जननी चंडी महाक्रोधा भयंकरी विमला भैरवी निद्रा जाति रूपा मनोहरा तृष्णा निद्रा खुदा माया शक्तिर्माया मनोहरा तस्यै देवी नमोज्जा वै सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इमां चंडीं जगद्धत्री ब्राह्मणस्तु सदा पठेत् नान्यस्तु संपठे देवी पठेन् ब्रह्मा भवे जो शृणोति धुर्यां च मुच्यते सर्वपातके ब्रह्महत्या च गोहत्या स्त्रीबोधो भव पातकम् श्वश्रुगमन पापंच कन्यागमन पातकम् तत्सर्वं पातकं दुर्गे मातुर्गमन पातजच् सुतस्त्रिंगमनं चैवो यदित् पापं प्रजायते पुरोदारो कृतं पाप तत्क्षणात् देव नश्यति जन्म जन्मांतरं पापात् गुरुहत्यादि पातकात् मुच्यते मुख्यते देवी गुरुपत्नी सुसंगमात् मनसा वचस पापं यत् पापं ब्रह्महीसने मिथ्यां जन्यं च यत् पापं तत् पापं नश्यति क्षणात् श्रवणं पठनं च जो करति धरातले साधनिश्चो कृतातश्चो राजराजादिभो भवेत् रविवारे जधाश्चण्डिं पठेदागम समातं नवावृत्तिं फलं तस्य जायत नत्र संशयः सोमवारे जधाश्चण्डिं पठेद्यस्तु समाहितो सहस्रावृत्तिपाठस्य फलं जानीहि सुब्रतः
कुजुचारे जगत धत्रिं पठे दागम समातम सतावृत्तिं फलं तस्य बुधे लक्षं फलं ध्रुवं गुरोजोदी महामायो लक्ष जुग्मं फलं ध्रुवं शुक्र देवी जगत धत्री चंडी पाठेन संकरी गैन्यं तुल्य फलं दुर्गे जदि चंडी समाहितः शनिवारे जगत धत्री कट्यावृत्ति फलं ध्रुवं अतएव महासानी जाभै चंडीं समभेषेत् ससद्यश्च कुतातः स्याद राजराधादिपो भवेत् आरोग्यं विजयं सुखं वस्त्ररत्नं पवाळकं पठनात् श्रवण चैव जायतनत्र संशय धन धन्यं प्रवाळं च वस्त्ररत्न विभूषणं चंडीं श्रवण मात्रेण कुर्यात् सर्वमहेश्वरी जो करिषद विज्ञाय रुद्रजामल चंडिका पापिरुत्ते समाजुक्ते रोरवं नरकं व्रजेत् अश्रद्धाय जो कुर्वन्ति ते च पातु किजो नरः रोरवं नरकं कुण्डं कृमिकुण्डं मलस्य वै शुक्रस्य कुण्डं स्त्रीकुण्डं जाति ते हि चिरन्नवे ततः पितुगणेशाधं विष्ठायं जायते कुर्मिः शृणु देवी महामाये चण्डीपाठं करत्यजः गङ्गायां चैव जत पुण्यं कस्यं विश्वोसराग्रतः प्रयागे मुण्डने चैव हरिद्वारे हरे गुहे तस्य पुनं भवे देवी सत्यं दुर्गे रमे सुवे त्रिगयां त्रिकासे जच पुण्यं समुत्थितं तच पुण्यं संशय अन्यचः महाचंडी शिवा घोरा भया भीमा भयानका कंचनी कमला विद्या महारोगो विबद्धनी गुह्य चंडी घरो चंडी चंडी तैलक्य दुर्लभ देवरांग दुर्लभा चंडी रुद्र जामलो संगता अप्रकश्या महादेवी प्रिया रावण मद्दिनी मत्स्य प्रिया मंसोरोता मत्स्य मंतो वली प्रिया मोदमत्ता महानित्या भूत प्रमथो संगता महाभागा महारामा धन्यदा धनरत्नदा वस्त्रदा मणिराज्यादि सदा विषय भक्तिदा सर्वदा चंडी महत्पोदी विनाशिनी इमां हि चंडी पठेत् मनुष्य श्रुणति भक्त्या परमशिवस्य चंडी धरत्यमति पुण्यजुक्ता सर्वेण गच्छत् परं मन्दिरं किं जप्य मनोरथं दुर्गे तनतित धरणी तले रुद्रचंडी प्रसादेनो किं नस्य धृति भूतले अन्यचः रुद्रधेया रुद्ररूपा रुद्राणि वल्लुद्रवल्लवा रुद्रशक्ति रुद्ररूपा रुद्रनोनो समन्विता शिवचंडी महाचंडी शिव प्रेतो गुणन्विता भैरवी परमा विद्या महाविद्या च षोडशी सुसुन्दरी परमा पूज्या महात्रिपुर सुन्दरी गुह्य काली भद्रकाली महाकाली विमर्दिनी कृष्ण तुष्णा सुरूपाचो जगन्मोहन कारिणी अतिमात्र महालज्जा सर्वमंगलोदायिनी घोरतंद्री भीमो रूपा भीमा देवी महा मनोहरा मंगला बगला सिद्धि दायिनी सर्वदा शिवा स्मृति रूपा कीर्ति रूपा जोगेन्द्री रोभिषेविका भयानोका महादेवी भय दुख विनाशिनी चंडिका शक्ति हस्ताचो कौमारी सर्वकामदा बाराहीचो वराहस्या इंद्राणि शक्ति पूजिता माहेश्वरी महेशस्य महेशो गणभूषिता चामुंडा नारसिंहि च नृसिंहरी भूमद्दिनी सर्वशत्रु प्रसवली सर्वारोग्य प्रदायिनी इति सत्यं महादेवी सत्यं सत्यं वदाम्यहं नैव शोक नैव रोषा नैव दुःखं भयं तथा आरोग्यं मंगलं नित्यं जो करोति शुभमंगलं महेशानी पुरारोहे ब्रवीम जदिदं वचः अभक्ताय न दातव्यं मम प्राणाधिकं शुभं तव भक्तां प्रशान्ताय शिव विष्णु प्रियाय च दद्याकद्दादिदेवस्यं सत्यं सत्यं महेश्वरी अनंत फलमाप्नोति शिव चंडी प्रसादतः अश्वमेधं वाजपेयो राजसूयो सतानि च तुष्टा च पितरदेवस्तयां च सर्वदेवतः दुर्गय मुन्नहि ज्ञानं रुद्रजामल पुस्तकं मन्त्रमक्षरसज्ञानं करत्यजो नराधम उते महेशान किं बुक्ये तव सन्निधो लम्बाधरास्ति चण्डी पठना सुवर्णत्वजः तत्पवस्यादिवक्येन मुक्तिमाप्नोति दुर्लभाम् श्री रुद्रजामलिदेवीश्वर संवादे रुद्रचंडी समाप्तः इदं पंचांगमखिलं श्री दुर्गाय रहस्यकं सर्वसिद्धिप्रदं गुह्यं सर्वसापरिपूरकं गुह्यं मंत्रं रहस्यतुं तव भक्त्या प्रकाशितं अभक्ताय न दातव्यं नित्याय परमेश्वरी श्रीमंत्र महानवे मध्यकंडे श्री दुर्गा तंत्रे दित्यस्तरंग ओम श्री रुद्राय नमः ओम नमः भगवते रुद्राय नमः ओम नमः भगवते रुद्राय नमः ओम नमः भगवते रुद्राय नमः ओम महाचंडी रुद्रचंडी तव वाम हस्ते जप जल समर्पयामि ओम हर 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 चंडी का दिव्य नमो नमः।
ये था आपका रुद्रचंडी का पाठ। इसमें बहुत ऊर्जा का आवेश आता है। बीच में थोड़ा एक्चुअली मुझे कुछ नेगेटिव ओरा मेरे ओरा में एंटर करने की कोशिश किया था, इसीलिए थोड़ा गला अटक गया था मेरा। जो भी है, ये माँ का ऐसा पाठ है, अगर इसको आप कभी करेंगे, अगर आपको कोई यज्ञ गुरु यज्ञ व्यक्ति मिलते हैं, इसका आप करेंगे। देखिए, इसका कम से कम 11 प्रकार का अनुष्ठान मुझे पता है, इसीलिए आज तक मुझ पर इतने सारे नेगेटिव ओरा का अटैक ओरजा होने के बाद मैं जीवित हूँ, यानी माँ की कृपा है। ये बहुत सारे रहस्य है इस विषय में। अगर भविष्य में किसी को रुद्रचंडी का कोई भी अनुष्ठान करवाना है, या कुछ भी आपको कोई ऐसा माध्यम में करवाना है, या जैसे आपके लिए पाठ, या आपके परिवार के लिए पाठ, या कुछ विशेष फल के लिए, प्राप्ति के लिए, केवल शत्रुनाश को छोड़ के, क्योंकि मैं कभी किसी के अमंगल के लिए कोई काम नहीं करता हूँ, पहली बात है। चाहे वो मेरा भी शत्रु क्यों ना हो, माँ को समर्पण कर देता हूँ, और देवी माँ को समर्पण कर वो अपना काम खुद करेंगी। अगर किसी को कोई भी मनस्कामना प्राप्ति के लिए है, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं बाईमेल, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि आप लोग भी रुद्रचंडी का जो पाठ है आप सीखे जाने। लेकिन ये बहुत भयंकर पाठ है, कोई डराने वाली बात नहीं है। सबसे प्यारा पाठ है, सबसे स्नेहमयी ममतामयी करुणामयी माँ की पाठ है। लेकिन रुद्रचंडी का बेग संभालना बहुत आसान नहीं है, और इतने दिन करने के बाद भी बीच में भी मुझे ओरा का थोड़ा डिफेक्ट हुआ था, फिर भी जो भी है माता रानी ने सही कर दी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहूँगा, रुद्रचंडी आप सुने, सुनने से ही आपको पता चल जाएगा। इसको इसमें कहा गया है कि सोमवार को आप पाठ करेंगे कितना मिलेगा, शनिवार को जब आप पाठ करेंगे तो माता जगतधात्री का कृपा मिलता है, इसको करने के बाद किसी भी प्रकार की पाप का नाश हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि रुद्रचंडी का अनुष्ठान उड़ीसा बंगाल ये साइड में ब्राह्मण लोग जो है, ये रुद्रचंडी का इतना अनुष्ठान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका इतना बेग होता है, जब आप अनुष्ठान करने बैठेंगे तो उस बेग को संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कि जिसके लिए करोगे, बहुत सोच समझ के जो है, क्योंकि इसका फेलियर नहीं होता है, इसका पार्ट कभी भी फेलियर नहीं होता है। चाहे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये तो मैंने भगवान रुद्र का थोड़ा ऐसे ओम नमः भगवते रुद्राय नमः मंत्र किया, लेकिन इसके लिए एक पाठ किया जाता है रुद्र सूक्त, नहीं तो एक रुद्र का एक विशेष गुप्त मंत्र है, उसको पाठ करने के बाद इसको लोक खोला जाता है। ये मतलब इसका जो किलित, एक प्रकार की किलित नहीं है, एक प्रकार की एक जो इसको एक उसका पावर को बढ़ाने के लिए एक चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी गुप्त विद्या है। तो ये मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में, अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहें और आप में किसी का ऊर्जा किसी का बनते जाता है, क्योंकि देखो अगर ग्रुप स्टार्ट करके ये सब देना होता तो मैं आज 6-7 महीने से चैनल करके 7-8 महीने से बैठा हूं तो कब का दे दिया होता, पहले दिन से ही शुरू कर लेता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन लोग इस मार्ग में आ रहे हैं, इंटरेस्ट है उनको, दिल से भक्ति है माता के प्रति, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर प्रयोग है, अगर इसको आप बहुत सारे हैं, यानी मैं आपको खुल के नहीं बता सकता। रुद्रचंडी का प्रयोग आप समझेंगे, बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो सकता है। लेकिन आप इसको सुने, सुनने के बाद आपका अंदर क्या क्या महसूस हुआ आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ, कोई चीज निकल गया, यानी आपका मूलाधार चक्र में कोई ऊर्जा अटका है, कोई भी चक्र में आपका कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव हो रहा है, वो निकल गया, आपको उवासी आ रहा है, आपको ढकार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एसिड रिफ्लक्स है और आपने दवाई नहीं लिया और तले हुए चीज खाते हो फिर ढकार आते हो, बोलते हो ये मंत्र से ढकार आ गया, ऐसा नहीं। अंधविश्वास आध्यात्मिक दना अलग अलग है। आपको डेली वोमिटिंग होता है, आपको एंडोस्कोपी करके मेडिसिन खाना जरूरी है, देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मंत्र पकड़ के बैठ जाओ उधर और कुछ हो जाए। इसलिए मेडिकल साइंस को कलयुग है, मेडिकल साइंस को पहला मानना जरूरी है। अंधविश्वास और आध्यात्म में बहुत पार्थक्य है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। आशा करता हूं जो रुद्रचंडी का पाठ मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छा लगा है। और ये सबसे इसका प्रयोग का विशेष दिन है मंडे और सैटरडे, इसीलिए मैंने आज सोमवार को दिया है। जो लोग भी इसको पूरा सुन लेंगे ना, तो वो खुद महसूस करेंगे इसका ऊर्जा और मुझे बताए, है ना। माफ करिएगा अगर कोई गलती हुआ है इसको उच्चारण करने में, जो कोई विज्ञ व्यक्ति पंडित लोग, कोई संस्कृत का महापंडित जो है वेद पाठी ब्राह्मण सुन रहे, तो अपना जीवा है तब स्लिप कर गया होगा, अगर कहीं पे गलती हो गया तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कोई भी गलती नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, मैंने पूरा अच्छी तरह, क्योंकि आज तक इसका मैंने इतना पाठ किया है कि उसका ऊर्जा भरा पड़ा है, यानी
माँ की जो मैं बोल रहा था तो मैं मेरा बेग को संभालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं हमेशा माँ को माँ रूप माँ देवी रुद्रचंडी को माता रूप में ही मैं पुकारता हूँ, इसलिए माँ ने मेरी बात सुनी और उन्होंने आदेश दिया इस चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि 6 महीने से ये कोशिश कर रहा था आपको देने के लिए, जैसे मैंने महाविद्या का स्तोत्र दिया था। जो भी हो मुझे बहुत अच्छा लगा, आशा करता हूँ आप बहुत खुश हैं और आप लोग की आदत भी उन्नति पर आगे बढ़ रही है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय मां रुद्रचंडी, हर हर चंडी, बम 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 चंडी।